तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग देख के आप सभी हिल गए होंगे क्योंकि पबजी वालों ने किया ही कुछ ऐसा भाई, इतना तगड़ा मैप मतलब बना दिया इरेंगल को, आप देख के हिल जाओगे। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैं मैच के अंदर एंटर होता हूँ, एंटर होते ही यहाँ पर जो टाइमिंग चलती है ना 40 सेकंड की, उसके बाद मैच स्टार्ट होता है जब तक हम लोबी में एक दूसरे को मुक्के मारते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया ना, यहाँ पर कुछ ऐड कर दिया इन्होंने। तो अब ये जो पुतला है, जो भी कह सकते हैं हम इसे, जो भी पुतला है, ये हाथों को फैलाता है। एंड उसके बाद ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना इसके, ये है मंदिर मतलब टेंपल। एंड ये तीन टेंपल हैं, एंड ये टेंपल जो है ये है जादुई टेंपल। अब मैं जादुई टेंपल क्यों बोल रहा हूँ इसकी स्टोरी आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। एंड इस टेंपल पे अगर आप जाते हो तो भाई आपको इतनी लूट मिलेगी, इतनी लूट मिलेगी, अगर वहाँ पर 10 करोड़ भी आ जाती है ना तो भी वो खाली हाथ नहीं जा सकती। पर आप 10 करोड़ को टिकने तो दोगे नहीं, जो भी स्कोर होगी एक ही टिकेगी, बाकी सब मर जाएंगी। तो यहाँ पर मैं प्लेन में बैठ जाता हूँ, प्लेन में बैठने के बाद सीधा लेके चलता हूँ आपको टेम्पल पे, जो कि टेम्पल आपने अभी देखा। तो यहाँ पर आपको तीन निशान दिख रहे होंगे टेम्पल जैसे, तो ये जो तीन निशान है ये है टेम्पल, ठीक है। तो पूरे मैप में तीन निशान होंगे और उन्हीं तीन जगह पे टेम्पल होगा, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे निशान हैं, ये छोटी छोटी लूट की जगह है जहाँ पर आपको कार 90 मिल सकती है, M4 मिल सकती है, या फिर आप बोल सकते हो लेवल 3 का सामान मिल सकता है, ठीक है। एंड मैप में जो आपको छोटा छोटा येलो कलर का दिख रहा है ना, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, काफ़ी दिख रहा होगा आपको, काफ़ी जगह पे दिख रहा होगा, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपको हर 1 मिनट बाद पजल सॉल्व करनी होती है। एंड पजल कैसे सोल्व करनी वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। चलते हैं पहले लोकेशन पर, मंदिर पर। एंड जादुई मंदिर मैं उसे क्यों बोल रहा हूँ वो आप खुद ही देख लेना। तो मंदिर पर जब आप लैंड करोगे तो दूर से कुछ ऐसा दिखेगा आपको नज़ारा, एंड जब आप उसके पास जाओगे तो बंदे ही बंदे, मतलब एक हॉट ड्रॉप होने वाला है, जैसे जॉर्ज पुल कोचिंग की होता है ना, उससे तो 3 गुना ज़्यादा बंदे यहाँ पर आएंगे, क्योंकि भाई बहुत भसड़ मचती है। और यहाँ पर लूट की तो कमी नहीं है, वो आप अभी खुद देखोगे। तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, ऊपर देखोगे आप लिखा हुआ 10 सेकेंड में ये जो महल है वो हवा में उड़ने वाला है, जो टेम्पल है वो हवा में उड़ने वाला है, ठीक है। तो अब क्या होगा आपको मैं दिखाता हूँ ये हवा में कैसे उड़ता है। तो देख सकते हैं ये हवा में उड़ने लग गया, ठीक है। अब मैं आपको पहले नीचे से दिखाता हूँ टेम्पल, फिर मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा। भाई ऊपर से देखने के बाद आप बोलोगे भाई क्या है ये, मतलब मैं खुद हिल गया था जब मैंने नीचे से देखा ना, इतनी ऊपर चला जाता भाई, इतनी ऊपर चला जाता। जब आप ऊपर से देखोगे नीचे कुछ दिखेगा ही नहीं, अगर आपके पास एटैक्स है तो आप बंदों को मार भी सकते हो ऊपर से, वो आपके ऊपर आपकी स्नाइपिंग कितनी अच्छी है। और 4x या 6x से मैं आपको दिखाऊंगा, आपको घर तक नहीं दिखेंगे भाई। तो यहां पर आप नीचे से देख सकते हो ये जो महल है जो उड़ चुका है, ये महल आपको नीचे से कैसा दिखता है, ठीक है। अभी ये पूरा ऊपर नहीं गया, ऊपर से भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं हम अपने सेकंड मैच पे, क्योंकि इस मैच में तो तीनों के तीनों जो टेंपल हैं वो उड़ चुके हैं, तो इस वाले मैच में मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो चलते हैं सेकंड मैच पे, एंड मैं उसमें आपको ऊपर से दिखाता हूँ टेंपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना दूसरा मैच स्टार्ट कर चुका था, एंड मैं टेंपल के अंदर आ चुका था। एंड आने के बाद यहाँ पर जो पजल है उसे मैं कंप्लीट कर रहा था। पजल कंप्लीट करने पर होता क्या, आपको लेवल 3 की लूट या फिर कुछ अच्छा सामान मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही पजल कंप्लीट होती है मुझे बड़ी तेज आवाज़ आती है, जैसे कि मतलब पूरी जगह तहस नहस हो रही है। तो जब मैं बाहर आके देखता हूँ टेंपल हवा में, भाई साहब ऊपर का नज़ारा देखोगे ना आप, बोलोगे भाई ये अपडेट कब आएगा बता। तो ये अपडेट आने वाला है, थोड़े दिनों में ही आने वाला है। ये 0.19.3 है। आप में से सभी को पता ही होगा कि अभी जो हम वर्जन खेल रहे हैं पबजी का ग्लोबल वर्जन, उसका वर्जन है 0.18.0। अब ये जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, इसका वर्जन है 0.19.3, ठीक है। तो ये अगला अपडेट होने वाला है। तो अब आप ऊपर का नज़ारा देखो भाई, ज़मीन दिख रही है आपको, ज़मीन देख के आपको नॉर्मल लग रहा होगा, है ना। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, एंड आपको मैं घर दिखाता हूँ। एंड भाई यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा कि घर मुझे यहाँ पर दिखेंगे ही नहीं, अगर मैं स्कोप ऑन करूँगा तभी मुझे घर दिखेंगे, अभी प्रॉपर ऊपर नहीं गया। एंड इसे मैं जादुई महल क्यों कह रहा था, एक तो यहाँ पर लूट मिलती है तगड़ी, ठीक है, उसकी वजह से तो जादुई महल मैं कहूँगा नहीं। अभी मैं हूँ गटका पे, ठीक है, ध्यान से देखना, अभी मैं हूँ गटका पे। अब ये महल आगे चल रहा है, छोटे वाले मैप को ध्यान से देखो, ये मैप आगे चल रहा है, मतलब मैं जोन में भी जा सकता हूँ इस महल पे चढ़ के। अब आप सभी में से काफ़ी बंदे सोच रहे होंगे कि हम नीचे कैसे उतरेंगे, कब तक ऊपर बैठेंगे, तो उसका भी हल है। तो आप यहाँ पर देखो पोचिंग की मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब मैं स्कोप ऑन कर रहा हूँ तभी पोचिंग की दिख रही है, अगर मैं स्कोप बंद कर दे रहा हूँ भाई सिर्फ जमीन ही जमीन दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। तो आप देख सकते हैं कि मैं कितनी ऊपर हूँ, और यहाँ पर जब आप गेम खुद खेलोगे ना तभी आप इसको एक्सपीरियंस कर पाओगे, क्योंकि मैं जो बताना चाहता हूँ मैं खुल के नहीं बता सकता, जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ उन सभी में थोड़ा सा फ़र्क तो होता है। बंदा जब खुद खेलता है उसको तभी पता चलता है भाई क्या है ये चीज़, और मतलब अलग ही फील होती है। तो यहाँ पर मैंने इस मैप की थोड़ी सी चीज़ें आपको दिखा दी। अब यहाँ पर आप सीन देखो,
ये मैंने छोटा सा सीन FPP कर लिया था ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ भाई ऊपर बैठ के नज़ारा कितना, और मैंने बीच में 5-6 मिनट की क्लिप काटी है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए, क्योंकि ऊपर से कितनी चीज़ें दिखा दूंगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने सारी क्लिप्स काट दी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम नीचे कैसे उतरते हैं। तो साइड में आपको दिख रहा होगा एक टाइमर चल रहा है, जैसे ये टाइमर ख़त्म हो जाएगा ना, देखो जैसे ये टाइमर ख़त्म होने वाला होगा, मैंने आपको मैप की स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैप में 3 मंदिर थे और ये तीनों मंदिर इकट्ठे हो जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, एंड ये तीनों मंदिर जैसे ही इकट्ठे होंगे आपका मंदिर हो जाएगा गायब और आप आ जाओगे ज़मीन पे। तो देख सकते हैं अभी मेरा टेंपल गटका से यहाँ तक आ चुका है मुझे लेके, एंड इस मंदिर का फ़ायदा क्या है, पुशिंग के लिए, अगर आप इसके ऊपर चढ़ जाते हो भाई आपको कोई नहीं मार सकता। अब जब ये उतरता है, मतलब जोन काफ़ी छोटा बन जाता है जब तक ये उतरता है, और आप उतर के थोड़ा सा सेफ तो खेल ही सकते हो, लूट आपके पास लेवल 3 की होगी, सारा कुछ आपके पास होगा, तो इजीली बंदों को मारोगे। अब मैं आपको छोटी जगह के बारे में बताता हूँ, जो मैप में छोटी छोटी येलो कलर की डॉट्स दिख रही थी ना, मतलब डॉट्स तो नहीं थी, थोड़ी बड़ी थी, पर मैं दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है। और ये आपको हर 100-200 मीटर पर मिल जाएगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो स्कोप खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसी जगह मिलेगी आपको। एंड ये इरेंगल है, इसमें आपका प्लस भी होगा, इसमें आपकी KD भी गिरेगी, KD बढ़ेगी भी, अगर आप बंदे ज्यादा मारते हो तो केडी बढ़ेगी, अगर आप कम बंदे मारते हो तो केडी गिरेगी। ये मत सोचना कि कोई मोड है, जैसे ब्लू होल मोड आ गया या फिर कोई और मोड आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक इवेंट है, इवेंट आएगा थोड़े दिनों के लिए, ये इरेंगल में रहेगा थोड़े दिनों के लिए, उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। तो ये जल्दी ही आने वाला है, इसकी जो फाइनल डेट है मेरे को नहीं पता, पर यहां पर भी जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूं, यहां पर भी आपको एक पजल मिलती है, नीचे आप देखोगे 4 मतलब कुछ बना हुआ, ठीक है। तो आपको उसी सीरीज में इस पजल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हैं कि किसमें क्या है किसमें क्या है, फिर उसको सीरीज में जैसे नीचे है वैसे कर देना क्लिक 1-1 करके। तो जैसे आप सही से क्लिक कर दोगे तो ये जो बक्सा साइड में पड़ा हुआ है, खजाना बोलो या फिर बक्सा बोलो, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। एंड इस खजाने के अंदर आपको कुछ भी मिल सकता है, जैसे लेवल 3 का सामान मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेवल 3 मिल जाए या फिर कार 90 मिल जाए, M24 मिल जाए, ठीक है। तो अब देखो मेरे को क्या मिलता है, तो ये बक्सा खुलता है, एंड बक्सा खुलता है तो इसमें से थोड़ा सा मतलब चमकीला चमकीला सा निकलता है, काफ़ी अच्छा लगता है, पर जब कार 90 निकलती है मेरा मूड ख़राब हो जाता है। और जब मैं जूम करके देखता हूँ तो अंदर एक तलवार पड़ी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक तलवार दिखेगी। तो ये जो नया अपडेट आने वाला है इससे काफ़ी उम्मीदें हैं, मेरे को काफ़ी पसंद आया, मैंने काफ़ी खेला, मतलब ग्लोबल भी इतना नहीं खेल रहा जितना मैं बीटा वर्जन खेल रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा ये अपडेट मेरे को ज़रूर बताना, एंड में अभी सारी चीज़ें नहीं कवर कर रहा, सिर्फ मैंने इरेंगल कवर किया, और भी बहुत कुछ आने वाला है नए अपडेट में। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए, अगर लोगों को पसंद आएगी तभी बनाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।